न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है, काशी की जनता ने मुझे पाला पोषा, और इसलिए इस पवित्र धरती के आशीर्वाद है कि इधर से हो उधर से हो तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। हिंदुस्तान में घटना घटी थी, पंडित नेहरू के जमाने में घटी थी। होलकर परिवार में उस रियासत का वारिस कौन हो, इसका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि होलकर के जो राजा थे उनको दो पत्नी थी, एक हिंदुस्तानी एक विदेशी। अब उनकी इच्छा यह थी जो विदेशी पत्नी का बेटा था वो होलकर रियासत का वारिस बने, राजा बने। पंडित नेहरू ने अपने हस्ताक्षर से निर्णय दिया हुआ है, पंडित नेहरू की सरकार ने निर्णय दिया हुआ है कि होलकर परिवार का वारिस हिंदुस्तानी महिला की कुख से जो बेटा पैदा हुआ है वही होगा, विदेशी कुख से पैदा हुआ बेटा होलकर रियासत का वारिस नहीं होगा। ये पंडित नेहरू ने भी तय किया हुआ है। हिंदुस्तान में सोनाली नाम की बंगाल की एक बहुत मशहूर कलाकार थी, सिने एक्ट्रेस थी, 1950 के कालखंड में, तब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन मैंने उनके विषय में सुना हुआ है। अब सोनाली एक्ट्रेस के नाते काम करती थी, तब इटली का एक रसोलिनी नाम का फिल्म डायरेक्टर हिंदुस्तान आया था, उन दोनों का प्रेम हो गया, शादी हो गई, सोनाली उसके साथ इटली में रहने लगी, शादी होने के कारण वो वहां की नागरिक बन गई, और उसको सोनिया जी की तरह नागरिक बनने में 15 साल नहीं लगे थे, वो तो जाते ही नागरिक बन गई थी। अब 20 साल के बाद उसको चुनाव लड़ने का मन कर गया, तो इटली के अंदर किसी शहर के एक म्यूनिसिपालिटी का चुनाव था, ये सोनाली उस म्यूनिसिपालिटी के चुनाव में उम्मीदवार बनी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया, इस बात पे कैंसिल किया गया कि वो इटली की नागरिक तो है लेकिन इटालियन नहीं है, वो मूल इटली की नहीं है, वो हिंदुस्तान की है, इसलिए वो वहां की म्यूनिसिपालिटी का चुनाव नहीं लड़ सकती। तो सोनाली के लिए तो इटली के अंदर ये दरवाजे बंद, और हिंदुस्तान में आप किसी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए, तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा।